पटेली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की टिकट केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को दिए जाने के बाद यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को यहां से भाजपा की टिकट मांग रहे कुलदीप यादव के समर्थन में नारे लगाए। वहीं आरती राव को टिकट दिए जाने पर रोष प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हाईकमान तक बात जाएगी, दो दिन इंतजार करें। भाजपा पार्टी द्वारा अटेली विधानसभा से इस बार मौजूदा विधायक सीताराम की टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को दी गई है। टिकट वितरण के बाद से अब पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष बना हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया है तथा टिकट वितरण को सही नहीं बताया। इसी के चलते भाजपा के ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य तथा भाजपा की टिकट मांग रहे कुलदीप यादव के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कुलदीप यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं को संयम रखना चाहिए तथा अभी बात पार्टी हाईकमान तक पहुंचा कर दो दिन इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दो दिन इंतजार करने के बाद फिर से यहां कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण के बाद से ही संगठन के कई बड़े लोग उनके संपर्क में हैं, संगठन के लोग उन पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटेली की जनता बहुत समझदार जनता है। अटेली की जनता इस बार विकसित अटेली देखना चाहती है और यहाँ से इस बार इतिहास ही बनेगा जिससे अटेली का नाम पूरे हरियाणा में होगा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कुलदीप यादव के समर्थन में नारे लगाए। उन्होंने कुलदीप यादव को अटेली विधानसभा से निर्दलीय जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कहा को आप आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और आपकी जो बातें होती हैं, आपके जो विचार होते हैं, आपके जो प्रश्न होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं। आज लोकतंत्र में, आज स्वतंत्रता भारत के हम सब वासी हैं। आज ये अटेली जनता, पूरे विधानसभा की जनता, मेरे माता पिता, मेरे प्यारे साथी, मेरे सहयोगी पिता तुल्य बुजुर्ग, ये सब उत्साह बना रहे थे। दीपावली की तरह एक त्यौहार बनाने की हमारी सबकी योजनाएं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भी उम्मीदवार बनाया, हम सब संगठित होकर, जैसे ये हमारे साथी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जैसे जो निर्णय करेंगे, अभी जो बताया दो दिन बाद में जो भी दिशा निर्देश देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के या जो कार्यकर्ता जैसे निर्देश देंगे हम वैसा काम करेंगे। अगर कार्यकर्ता आरती राव को उम्मीदवार बनाया गया, कुलदीप यादव स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? देखो, अभी हम ये नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी का हम संगठित परिवार हैं और संगठन में रहने की विचारधारा हमारी है। क्या चुनाव लड़ेंगे? ये सब कार्यकर्ताओं का फैसला। मैं एक गांव का किसान का, मैं एक शोषित पीड़ित परिवार से हूँ, मैं गांव का एक निमित्त बच्चा हूँ। जब मेरा कल्पना भी उससे बाहर था कि मैं विधानसभा की तैयारी करूं। ये समय की तो कोई ताकतें थी, ये पिता तुल्य बुजुर्गों का, ये नौजवान साथियों का आशीर्वाद था कि मैं आज ये यहाँ प्लेटफार्म पर पहुंचा हूँ। अगर आपके कार्यकर्ताओं की अगली बैठक कब होगी जिसमें निर्णायक भूमिका हो? कार्यकर्ताओं की बैठक जब भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, ये युवा साथी जब भी संकल्प लेंगे, एक दो दिन के बीच में हम सब इकट्ठा होंगे। अगर आपके कार्यकर्ता आपको कहते हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय? मेरे सारे ये कार्यकर्ता नहीं, परिवार का सदस्य है और ये सब अनुशासित है। जैसे भी ये मेरे को दिशा देंगे, आज से पहले भी इनकी दिशा पे मैंने काम किया है, वैसे मैं तैयार रहूंगा। एक बाहरी और स्थानीय का मुद्दा था और भाजपा ने जो टिकट दिया है, क्या आपको लगता है वो भारी है? हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। संगठन के विचार सारे सर्वमान्य रहेंगे। मेरे सारे साथी, मेरा परिवार जैसे कहेगा मैं वैसे काम करूंगा। परिवार की बैठक पर इसका फैसला जल्दी कार्यकर्ता आज या कल में करेंगे और हम जल्दी कोई अच्छी मीटिंग पे लेके और क्षेत्र की जनता के विचार को आगे बढ़ाएंगे। देखो, हम ये अटेली हमारी जो विधानसभा है, ये किसान शैली से है। हमारा किसान बड़ा मजबूत है, परिवार बड़े मजबूत हैं। हमने तो संघर्षों से त्याग करके अपना काम चलाया है। परिवार हमारे यहाँ कोई इतनी बढ़िया कोई शिक्षा की या धनाढ़ कोई फैमिली नहीं है। हमने संघर्ष किए हैं और संघर्ष का मैं, मेरे परिवार का, मैं युवा साथी का, मेरी क्षेत्र जनता का मैं साथी रहूँगा। किसान वाले क्षेत्र जी। और बाकी ये सब समय की बातें, समय से हम हार सकते हैं, बाकी कोई ताकत नहीं जिससे हार जाएंगे।